लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है घोषणा पत्र में महिलाओं गरीबों और युवाओं के उत्थान पर खासा फोकस रखा गया है रविवार को दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय पर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इनके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत अन्य नेता मौजूद रहे आगे विस्तार से बात करेंगे मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि बीजेपी के इस मैनिफेस्टो की मुख्य बातें और बीजेपी के मुख्य दावे इन चुनावों को लेकर क्या क्या है बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने का दावा किया है इसके साथ ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाने का विजन भी रखा है इसके साथ ही इसमें सत्तर साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने तीन करोड़ लोगों को मकान देने और इसके साथ ही गरीबों को मुफ्त राशन दो तक दिए जाने की गारंटी दी है इसके साथ ही देश भर में यूसीसी लागू करने की बात भी कही गई है गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना दो तक बढ़ाए जाने का दावा भी बीजेपी ने किया है इसके साथ ही गरीबों को तीन करोड़ घर दिए जाने का वादा भी बीजेपी ने कहा है बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो में पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू किए जाने की बात भी कही है और इसके साथ ही किसानों के लिए फसलों की एमएसपी में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना को जारी रखने की बात भी कही है तो ये कुछ मुख्य दावे जो बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो में आम जनता से किए हैं बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए तीन लोगों को दी गई ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी ना किसी योजना का फायदा मिला था पार्टी ने पिछले दस साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी आज जारी किया तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छियालीस मिनट के स्पीच में पिछले दस साल के कामकाज का लेखा जो देते हुए धारा 370 महिला आरक्षण का जिक्र किया और जिन्हें पूरा कर दिया गया है इन योजनाओं का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चार जून को नतीजे आने के के तुरंत बाद ही बीजेपी संकल्प पत्र पर काम करना शुरू हो जाएगा और यह भी कहा कि सरकार ने सौ दिन की कार्य योजना पर पहले ही काम शुरू कर दिया है वहीं यदि बात कांग्रेस की की जाए तो आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने की बात कही यानी कि एक तरफ बीजेपी जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस ने अपने में समय पर ही जाएंगे और ने यह भी वादा किया था कि वोटिंग भी भी की वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी मगर वीवीपीए की पर्ची से आ, मिलान भी किया जाएगा और इसके साथ ही आप देखिए कांग्रेस कि ने कि अपने मैनिफेस्टो में दसवीं अनुसूची में संशोधन का वादा भी किया और इसके तहत पार्टी बदलने पर विधानसभा या फिर संसद की सदस्यता खत्म हो जाने की बात भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो अब आम जनता के सामने आ चुका है और इन मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी सरकार आने पर अपना जो विजन है वो आम जनता के सामने पेश किया है आपका क्या कुछ ख्याल है क्या ये योजनाएं सीधा आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगी क्या इन योजनाओं से आम जनता को वाकई में फायदा मिले कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फिलहाल के लिए इतना ही नमस्कार